नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रुदनेश राघव, हापुड़ डिफेंस एकेडमी उत्तर प्रदेश। अपने ऐसे समस्त युवा साथी जो भी इंडियन नेवी की नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत बड़ा मौका जो कि आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। मैं आपको बताने वाला हूं कि कब आपके नए फॉर्म आ रहे हैं, इसमें डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है और कब इसका एग्जाम होगा, कितनी इसमें वैकेंसी है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आप किस स्टेट से हैं। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऑफलाइन बैच के साथ साथ ऑनलाइन में भी अब हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो आइए साथियों, आपको जानकारी देते हैं कि नई वैकेंसी आपकी कब आ रही है। प्यारे साथियों, ये आपको पता होना चाहिए, इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, आर्मी में तो लगभग एक ही बार आ रही है, लेकिन नेवी और एयरफोर्स दोनों में आपकी साल में दो बार वैकेंसी आती है, इनटेक वन और इनटेक टू। तो ये 2025 का जो इनटेक होगा, इसकी शुरुआत आपकी कब होगी, आइए बच्चों, आपका जो नोटिफिकेशन है 2024 में ही आ जाएगा, यानी कि नवंबर 2024 में। इसके जो फॉर्म है वो नवंबर के लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म भर के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद में आपकी प्रक्रिया शुरू होती है कि जी हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। देखो साथी, इंडियन नेवी में एक सिस्टम है सीधा सीधा, जो हर साल आपकी डेट ऑफ बर्थ ली जाती है, जो प्रीवियस ईयर ली गई है उसमें सिर्फ 6 मंथ को ऐड किया जाता है, 6 मंथ ऐड करके अगली डेट ऑफ बर्थ तैयार की जाती है। तो प्यारे साथियों, ये लगभग में नहीं है, ये एग्जैक्ट है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ यही रहने वाली है, क्योंकि हर साल 6 मंथ को ऐड कर दिया जाता है। तो आपकी 1 अप्रैल 2004 से 1 अक्टूबर 2007 डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है। जो भी बच्चे इस उम्र सीमा के दायरे में आ रहे हैं, जिनकी उम्र इस सीमा के बीच में है, वो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे 2025 वाले इनटेक में। ठीक है बच्चों, अपनी कमेंट में डेट ऑफ बर्थ जरूर बताना स्टेट वाइज। हो सकता है कि थोड़ा बहुत 1-2 महीने का ऊपर नीचे इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाए, बट ऐसा देखने को मिलता नहीं है। फिर भी आप अपनी एक बार डेट ऑफ बर्थ हमें जरूर कंफर्म कराइएगा। बच्चों, यहां पर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आपका जो होगा, एग्जाम का एक लॉजिक है नेवी की तरफ से, वो क्या है बच्चों, कि जैसे ही इंडियन नेवी में आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो ज्वाइनिंग होने के तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, मतलब 10 से 15 दिन के बीच में नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे कि नवंबर में आपकी ज्वाइनिंग होती है नेवी की, ठीक है, एयरफोर्स में जैसे फिक्स है 21 जून में और 21 दिसंबर में फिक्स है, ऐसे ही तुम्हारी नवंबर में भी आपकी लगभग 14, 15, 17 नवंबर के आसपास आपकी ज्वाइनिंग होती है नेवी में। तो ज्वाइनिंग होने के सही 10 से 15 दिन के बीच में ही आपकी नई वैकेंसी आ जाती है और फॉर्म वॉर्म आपके भर के दिसंबर में सेट हो जाते हैं। हर साल का यही साइकिल चलता है, ठीक है। तो एग्जाम डेट की अगर हम बात करें, तो एग्जाम आपका जो होने वाला है लगभग जनवरी से फरवरी या फिर मार्च तक भी जा सकता है। तो मैं अगर ये कहूँ आपसे कि आपके पास में सुनहरा अवसर है, तो ये कहने में किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास में लगभग 5 महीने लगभग सीधे सीधे एकदम हैं आपके पास में। अगर आप निश्चित रूप से सफलता लेना चाहते हैं, तो आपके पास में 5 महीने का समय है, जबरदस्त तरीके से तैयारी करिए और नेवी में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। नेवी में एक फायदा और है आपको, कि नेवी में स्टेज 1 और स्टेज 2 होते हैं, लेकिन इसमें ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है। बहुत से बच्चे ग्रुप डिस्कशन से घबराते हैं ना, जैसे एयरफोर्स में, तो इसमें वो चीज नहीं है। इजी वे में आप अपना इसमें कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इसमें फेज 1 और फेज 2, यानी स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों सेम एग्जाम होते हैं। एक बार तैयारी कर लो, फिर उसी का रिवीजन करते हुए रहना है। यहां पर बात होगी कि सर नई वैकेंसी जो आएंगी वो लगभग कितनी आएंगी। बच्चों, हर साल जो वैकेंसी आ रही है, हर साल यही वैकेंसी रहती हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। केवल एक ही बार 2 इनटेक को मर्ज किया गया था, जिस समय पर 4000 प्लस वैकेंसी आई थी। तो बच्चों, SSR में आपके लड़कों की जो वैकेंसी है वो 1200 से 1250 या 1300 तक रहती हैं, लड़कियों की जो रहती हैं 400 से 450 तक रहती हैं, और MR में लड़कों की जो रहती हैं 300 से 350 रहती हैं, और लड़कियों की जो रहती हैं भाई दोस्तों वो 100 से 150 के बीच में रहती हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे एक बात कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ हमको ज़रूर कमेंट में बताना, और आप किस स्टेट से हमको देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि किसी भी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो हम आप तक जरूर साझा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।